हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द डेली एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। टुडे इज मंडे ऑगस्ट फोर्टींथ द फर्स्ट फ्रंट पेज हेडलाइन इज मणिपुर ऑफिशियल्स टोल्ड टू क्विट सोशल मीडिया ग्रुप्स मणिपुर में आप जान रहे हैं कि पिछले साड़ लगभग साढ़े तीन महीने होने को है और तब से सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल बहुत ही वायलेंट प्रून रहा है और कुछ अभी कुछ समय से शांति हुई है लेकिन एक हफ्ता पहले भी पांच छह लोगों को मार दिया गया था तो अभी भी वहां पर बहुत ही इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है तो वहां पर क्योंकि सिचुएशन अभी भी बहुत सही नहीं है तो ऑफिशियल्स को बोला गया है सोशल मीडिया ग्रुप से क्विट करने के लिए विद ब्यूरोक्रेसी एट द पॉलिसी पुलिस स्प्लिट ऑन एथनिक लाइंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कल भी मैं आपको बताया था कि जो पुलिस है और जो सेंट्रल फोर्सेस है दोनों के बीच में स्प्लिट है दोनों के बीच में क्लैश है तो कल आसाम राइफल्स के चीफ से मिल रहे थे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह यहां भी यही कह रहे हैं कि विद ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस स्प्लिट ऑन एथनिक लाइंस अब जो कुकी वाले हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो मैतई वाले हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट सेज मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स दैट फर्दर सेपरेटिस्ट एंटी नेशनल कम्युनल एंड डिविसिव एजेंडाज विल इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी तरह का इस एजेंडे को चलाएगा जो कि अलगाववाद का है सेपरेटिस्ट का है एंटी नेशनल है देश के खिलाफ है कम्युनल है सांप्रदायिक है एंड डिवेसिव एजेंडाज एजेंडा है जिसको कि समाज को बांटने का एजेंडा है उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा नेक्स्ट न्यूज इज सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप जान रहे हैं कि फेसबुक है व्हाट्सएप है इंस्टाग्राम है Uh, टेलीग्राम है uh, uh, इन सारे जगहों पर इन सारे फोरम पर इन सारे प्लेटफॉर्म्स को क्विट करना है नेक्स्ट न्यूज इज 14 स्टेट्स येट टू ज्वाइन सेंटर्स फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम 14 स्टेट्स अभी भी बचे हैं जो कि सेंटर के फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम को अभी ज्वाइन नहीं किया है केरला तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल Are the major states which have yet not joined? Are among the 14 states and union territories which are yet to sign a crucial MOU Memorandum of Understanding with the Union Education Ministry, which mandates the implementation of National Education Policy 2020 to get funds of almost 13,000 crores for the next three years under. सेंट्र फ्लैगशिप स्कीम फॉर स्टेट रन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए अभी इसी के बाद इसी के रिलेशन में तीसरा भी न्यूज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं क्योंकि केरला तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इन तीनों में रीजनल पार्टी की गवर्नेंस है ये लोग सत्ता में है और ये लोग बीजेपी के खिलाफत में है तो जनरली अभी आज के इंडिया में आप देखिएगा चाहे अपोजिशन uh, पक्ष अगर सरकार कुछ अच्छा काम भी कर रही है तो अपोजिशन उसको रिजेक्ट कर देती है अपोजिशन भी कोई अच्छा काम करती है तो उसको सरकार रिजेक्ट कर देती है एक जमाना था जब नेहरू जी के जमाने में नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अपोजिशन से पांच लोगों को मंत्री बनाया गया था एक यह समय भी था और अभी एक ये समय भी है अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक अच्छा स्कीम है जो कि एक अच्छी पॉलिसी है और जिसके तहत तेरह करोड़ रुपए भी मिलेंगे लेकिन क्योंकि हमें विरोध करना है यह विरोध हो रहा है और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट न्यूज है केरला टेक्स्ट बुक्स टू रिटेन सेक्शंस डिलीटेड बाय एनसीआरटी। एनसीआरटी आप जानते हैं कि एनसीआरटी गवर्नमेंट की एक तरह से इंस्ट्रूमेंटेलिटी है गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसके थ्रू वो लोग किताबें छपाते हैं और हम सब लोग एनसीआरटी को ही पढ़ करके बड़े हुए हैं एनसीआरटी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन और मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे एनसीआरटी ने कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया कुछ चैप्टर्स को हटा दिया जैसे कि मुगल एरा एंड अकबर नामा क्रॉनिकलिंग द रेंस ऑफ किंग अकबर एंड हिज प्रोड्यूस फीचर प्रोमिनेटली इन द सून टू बी रिलीज्ड सप्लीमेंट्री टेक्ट बुक्स फॉर क्लास इलेवन एंड ट्वेल्व स्टूडेंट्स ऑफ केरला मतलब कि जो एनसीआरटी ने डिलीट कर दिया था उसको केरला के टेक्स बुक्स ने रिटेन किया है उसको डिलीट केरला गवर्नमेंट ने डिलीट नहीं कराया है द हिस्ट्री टेक्स बुक विल ऑल्सो टच अपॉन द मिडल एजेस कल्चरल फॉर्मेशन द एज ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एंड द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन जनरली आप देखिएगा कि एनसीआरटी में मुगल एरा को बड़ा ही ग्लोरियस तरीके से दिखाया गया था मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं यार वो भी हमारे ऊपर राज करके गए अब कोई अफगानिस्तान से बाबर आ गया कोई कहां से क्या गया और यही लोग पूरा राज करते रहे और उसको आप एकदम ग्लोरीफाई करके रखे हो पृथ्वीराज चौहान के बारे में दो लाइन लिख दिया आपने आपने राणा सांगा के बारे में एक लाइन में खत्म कर दिया आप सम्राट अशोक को एक पैराग्राफ में बांध दिए सबसे बड़ा अकबर ही था हुमायूं सबसे बड़ा था हुमायूं तो भाग गया था यार और अकबर बड़ा था अकबर ने क्या क्या कांड किए आपको भी पता है सारी पॉलिसी चलती थी हिंदू धर्म के ऊपर टैक्स लग रहा था तीर्थ यात्रा करने में भी मुस्लिम पे टैक्स नहीं लग रहा था मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं मुस्लिम के खिलाफ हूं मैं कह रहा हूं कि जब मुस्लिम पे टैक्स नहीं लग रहा था तो हिंदू पे टैक्स क्यों लग रहा था लगा रहे थे ना तो अकबर कैसे महान हो गया कैसे महान हो गया वेयर वॉज द ग्रेटनेस और भी अकबर की बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूं लेकिन क्योंकि मैं अकबर के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं द हिंदू के एनालिसिस करने के लिए बैठा हूं तो मेरा सब्जेक्ट मैटर से मैं डेविएट होना नहीं चाहता सम्राट अशोक के बारे में आप कही नहीं रहे हो पृथ्वीराज चौहान इतने परम प्रतापी आदमी थे योद्धा थे आप महाराणा प्रताप के बारे में कहीं नहीं रहे चर्चा ही नहीं है एक दो लाइन में खत्म कर दी गई यहां कोई महाराणा प्रताप भी थे तो सारे मतलब कि हीरो मुगल ही थे और कोई कहीं था ही नहीं शाहजहां को बता दिया कि वो प्रेम के प्रतीक है अरे ये नहीं बताया कि मुमताज के मरने के बाद उसके सारे बहन लोग से शादी कर लिए कितने से निकाह किया और कितने से बच्चा पैदा कर दिया तो कहां से प्रेम का प्रतीक हो गया है नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट फॉर सिक्योरिटी यूनिट्स एट एवरी कोर्ट यह बड़ा ही जबरदस्त न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हैज प्रपोज स्पेशल परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट्स टू गार्ड कोर्ट प्रिमाइसिस कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री रिकॉलिंग इंसिडेंट्स ऑफ गन फायर एंड वायलेंस एट कोर्ट प्रिमाइसिस आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में मतलब कोर्ट के अंदर जाकर के मर्डर हुआ है कोर्ट प्रिमाइसिस छोड़ो अंदर कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली है लॉयर्स भी लड़ गए गन गनशॉट्स फायर किए गए कोई क्रिमिनल पेशे के लिए आता है उसको गोली मार दिया जाता है वहीं पे वो क्रिमिनल है लेकिन उसका सजा का एक उसके सजा का एक तरीका है कोर्ट इसीलिए बना है अब न्याय के जगह पर ही कोई किसी को गोली मार दे तो ये कहां से जस्टिफाइड है दिल, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे दिल्ली में इस तरह की घटनाएं काफी हुई फिर अभी लखनऊ में हुआ उसके पहले गोरखपुर में हुआ था उसके पहले पटना में हुआ फिर देवघर में हुआ था बहुत सारी गोलियां चली लोगों लो का मर्डर हुआ जज साहब खुद भाग गए वकील भागे हर कोई भागेगा यार तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको में लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट्स होने चाहिए और हाई कोर्ट को बोला है कि टू प्रिपेयर सिक्योरिटी प्लान इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी एंड पुलिस कमिश्नर्स टू प्रोटेक्ट कोर्ट्स एंड सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हर जगह पर होना चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश राइट फ्रॉम द एंट्री टू द एग्जिट एक एक चीज के जगह पर सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन होना चाहिए अमीड टूरिज्मी ट्रेडिशनल बोटमैन फीयर बैक वॉश फ्रॉम वॉटर टैक्सी प्लान वाराणसी में आप जान रहे हैं कि टूरिज्म का एकदम बूम आ गया है लोग कहते हैं मोदी क्या किया है मोदी ने क्या किया इसका यह परिणाम है कि गोवा में जो सबसे हॉट टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडिया में माना जाता है डेटा कह रहा है कि वहां से आठ गुना ज्यादा पर्यटक वाराणसी में आ रहे हैं तो अगर ये मनमोहन सिंह भी किए होते तो हम मनमोहन सिंह की भी बड़ाई कर रहे होते अगर टूरिज्म ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा आएगा बनारस के लोगों की जिंदगी सुधरेगी बनारस के हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमें अभी सुन रहे होंगे आप मेरी बात से अग्री करिएगा कि अगर पैसा आएगा वहां पे टूरिज्म इतना बढ़ा है तो वहां के लोग ही अमीर होंगे सरकार के पास और ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा तो इसमें करें कि वाटर टैक्सी प्लान जो इन्होंने अभी वहां पे लॉन्च हुआ है तो वाटर टैक्सी प्लान से जो नॉर्मल नाव चला रहे थे बोट चला रहे थे उनको डर है कि कहीं मेरी रोजी रोटी खत्म ना हो जाए नेक्स्ट इज टू स्टूडेंट्स अरेस्टेड इन जादवपुर वर्सिटी डेथ केस जादवपुर एक वेस्ट बंगाल का एक ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया है जहां पर क्लासेस और वो भी वायलेंट क्लासेस गन शॉट फायरिंग गोलियां चलाना कट्टा लेकर के आना ये एक स्वैग का नया तरीका बन गया और जादवपुर हैज बिकम द लेबोरेटरी फॉर ऑल दिस एन एक्सपेरिमेंटिंग लेबोरेटरी फॉर ऑल दिस और जनरली कम्युनल क्लासेस होते रहते हैं नेक्स्ट न्यूज इज ओवर 350 फिफ्टी इंडियंस अवेटिंग वेटिंग इन नाइजर आपको मैंने कल भी बताया था कि नाइजीरिया में बहुत सारे इंडियंस हैं तो वहां पे भी सिचुएशन खराब हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन के इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वहां के लोगों को आगाह किया था कि जल्दी से जल्दी नाइजीरिया छोड़ दें और इंडिया आ जाए क्योंकि वहां पर सिचुएशन इज नॉट बेटर सिचुएशन बेटर तो छोड़ दो सिचुएशन इज नॉट गुड टू लिव राइट नेक्स्ट इज़ सीबीआई इनटू अटैक्स ऑन देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उन्होंने यह कहा है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं टीडीपी President, National President, and former Chief Minister, N Chandrababu Naidu, wrote letters to President Dropdi Murmu and Prime Minister Narendra Modi, seeking a CBI probe into the alleged attacks on him during his recent visit to irrigation projects, and any directions provided in the Constitution to ensure that the rule of law is upheld in Andhra Pradesh. देखो आ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ये गए थे तो इनके ऊपर अटैक हुआ था तो मैं सारे पॉलिटिशियन से यही कहना चाहूंगा कि जब आपके ऊपर एक अटैक हो रहा है तो आप चाहते हैं कि सीबीआई तुरंत आ जाए लेकिन जब खुद आप चीफ मिनिस्टर होते हैं खुद जब आप मंत्री होते हैं और जनता के ऊपर इतने अटैक्स होते हैं कितने लोगों की हत्याएं हो जाती है बलात्कार हो जाता है तब आपका ये आ, दर्द कहां चला जाता है उस समय आप सीबीआई तो छोड़ो अपनी पुलिस भी नहीं भेजते हो उस समय आप एकदम मतलब साइलेंट हो जाते हैं आप एकदम धृतराष्ट्र बन जाते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो आपको जनता के बारे में भी सोचना चाहिए नेक्स्ट इज एनसीपी विल नॉट गो विद बीजेपी बट वेल विश आर ट्राइंग टू कोक्स मी शरद पवार शरद पवार नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट शरद पवार ऑन संडे रिटरीटेड दैट हिज पार्टी विल नॉट अलाइन विद रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इन महाराष्ट्र अंडर एनी सरकम इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे लेकिन मेरे वेल विशर्स जो है मुझे कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ आ जाऊं ये इनका फैमिली मैटर है शरद पवार इनका भतीजा है उसको हरदम चीफ मिनिस्टर किसी की सरकार हो ये महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बन गए हैं किसी की भी सरकार हो ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जरूर रहेंगे कांग्रेस वाले जब मुख्यमंत्री थे उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इसमें भी उप मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने इसमें भी उप मुख्यमंत्री बन गए यहां पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं किसी की कोई भी किसी को वोट करो किसी की भी सरकार बने किसी के पास ज्यादा समर्थन हो मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे यहां पर इनका इनका भतीजा है अजीत पवार जो कि सरकार किसी की भी हो विधायक किसी के भी ज्यादा हो कम हो उप मुख्यमंत्री का सीट इसके लिए रिजर्व है नेक्स्ट इज नो मोर रोल फॉर तमिलनाडु गवर्नर इन नीट बिल सेंट टू प्रेसिडेंट इसमें कोई ऐसा न्यूज है नहीं स्प्रेडिंग द बहुजन कल्चर आर्ट्स एंड लिटरेचर थ्रू आउट द कंट्री नो सच एज सच न्यूज बीजेपी ऑलवेज रेस्पेक्टेड ट्राइबल्स सोरेन गवर्नमेंट चीटिंग पीपल एक इंटरव्यू है बाबूलाल मरांडी का इन्होंने बोला है कि बीजेपी ने ट्राइबल का हमेशा रेस्पेक्ट किया है जो अभी हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है वो लोगों को चीट कर रही है ये बीजेपी के अ, नेता हैं अभी बीच में हट गए थे और पहले बीजेपी में ही थे और बीच जब झारखंड की स्थापना हुई थी बिहार से झारखंड बटा था तो बीजेपी पहली सरकार बनाई थी और पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी ही बने थे नेक्स्ट फिर से वही कावेरी इशू वाला है कर्नाटका और तमिलनाडु का मैंने कल भी बताया था इसमें ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जिसको कि मैं आपको बताऊं इस पन्ने पर पुलिस रजिस्टर यूएपीए केस अगेंस्ट मायुस्ट टीम एट विजिटेड आरालाम करना ही चाहिए यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहिए अगर कोई नक्सलवाद उग्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है एडिटोरियल में पाकिस्तान पॉलिटिकल रॉलर कोस्टर कंटिन्यूज दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूजन बाई सोसाइटी चर्च स्टेट इन सब पे मैं नहीं जाना चाहूंगा अ साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञान बापी इट्स लिमिट्स बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इट्स नो वंस केस दैट पीपल हु क्रिएट अनरेस्ट इन सोसाइटी शुड नॉट बी डेल्ट विद एज पर लॉ वॉट इज डिराइडेड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एनिमोसिटी विच टर्नस इंटू कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर इट इज वन थिंग टू प्रोजीक्यूट द अक्यूज इट इज अनदर टू डेंडर हिज फैमिली और नेबर सेल्टरलेस ये कह रहे हैं कि जब आप घर गिराते हो जब किसी का मकान गिरा दिए कोई अक्यूज होता है तो तो ठीक है वो तो चला गया आ, लेकिन उसके साथ साथ जो अक्यूज है उसके उसके साथ साथ पनिशमेंट उन लोगों को भी मिल जा रहा है ना जो उनके परिवार वाले हैं उनकी क्या गलती है इस पे ये आर्टिकल है वाई इज इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री डिचिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर माया ओ आपको मैंने बताया था अगर आपको याद होगा अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जो रक्षा मंत्रालय है उनको डर है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारे साथ हैक कर सकते हैं तो वो अपना सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए हैं अपना विंडोज माया ओएस प्रिपेयर किए हैं और उसी को ये उसी के थ्रू ये सारा काम करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था नेक्स्ट इज हरियाणा महापंचायत डिसाइड्स टू रिज्यूम यात्रा इन नूह ऑन ऑगस्ट 28 ये पॉलिटिकल चीजें हैं यार अब ये वायलेंस हुआ है नूह में मेवात में गुरु ग्राम मतलब गुड़गांव में तो अब जो खाप पंचायत है जो महापंचायत है ये लोग चाह रहे हैं कि इसको एक पूरा का पूरा फिर से रिलीजियस कलर दें और समाज को बांट दें नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम टेकिंग मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन मिशन इन लंडन इंडियन हाई कमीशन इन लंडन वॉज अटैक्ड बाई प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स इन मार्च ऑफकोर्स यस भारत के झंडे को लंदन हाई कमीशन में जो हमारा भारत का एम्बेसी है वहां पर हमारा झंडा लगा हुआ था उस झंडे को गिरा दिया गया और खालिस्तानी समर्थक था उसने गिराया था बाद में उसकी मौत भी हो गई कैंसर से मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूं तो हम लोगों ने भी टिट फॉर टैट किया था उनके साथ जो न्यू दिल्ली में इंग्लैंड का यूनाइटेड किंगडम का जो एम्बेसी था वहां से हमने सिक्योरिटी गार्ड्स हटा लिए थे तो उनको समझ में आ गया था कि आ, हमें भी उनको प्रोटेक्शन देना आप मत दे दीजिएगा तो हम भी आपको यहां पे नहीं देंगे राइट यह सही कदम था भारतीय भारत सरकार का नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया चाइना टू होल्ड मिलिट्री टॉक्स टूडे इंडिया एंड चाइना सेट टू होल्ड द नाइनटींथ राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स ऑन मंडे ये एक वेलकम न्यूज है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए टू साइड्स हैव सो फार अंडरटेकन डिस एंगेजमेंट फ्रॉम फाइव फ्रिक्शन पॉइंट्स देखो वी आर नेबर्स एंड अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कि आप सबको बदल सकते हैं आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते ठीक है तो लेकिन चाइना की प्रॉब्लम यह है कि चाइना की आदत है अभी ये यहां पर है तो ये कोशिश करेगा कि हम यहां पर घुस जाए मतलब मान लो कि ये भी एक बेंच है यहां पर आप बैठे हैं यहां पर बगल में मान लो चाइना बैठा है तो चाइना कोशिश करेगा कि आपको यहां से धक्का देकर के बेंच से बाहर कर दे और खुद यहां पर आ जाए और हर जगह ये सारे जहां जहां पे इनका बाउंड्री जिस जिस कंट्री से भी टच हो रहा है ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं सबको प्रॉब्लम दिए हुए ये पता नहीं क्या इनके डीएनए में है नेक्स्ट इज आई एफ इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्टेड सिक्सटी एट थाउजेंड मेन टू लद्दाख सिंस 2020 2020 से अड़सठ हजार लोगों को लद्दाख एयरलिफ्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एज अ स्टैंड ऑफ अनफोल्डेड इन ईस्टर्न लद्दाख इन मे 2020 विद द इंडियन मिलिट्री मोबिलाइजिंग टू काउंटर द चाइनीज बिल्डअप ऑफ फोर्सेस एंड देयर इन्वेजन ऑफ इंडियन टेरिटरी इंडियन एयरफोर्स प्रेस्ड इट्स एंटायर ट्रांसपोर्ट फ्लेट टू सर्विस टू कैरी ओवर सिक्सटी एट थाउजेंड ट्रुप थ्री थर्टी इंफेंट्री व्हीकल्स एंड मोर देन नाइन्टी टैंक इन एडिशन टू आर्टिलरी गडिंग टू डिफेंस फोर्सेस जैसा कि आप जानते हैं कि दो हजार बीस के मे से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ तभी से स्टार्ट हो गया चाइना के साथ फिर हमारा हमारी लड़ाई भी हुई गलवन में और तब से क्योंकि सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल होता जा रहा था तो तब से इंडियन एयरफोर्स ने काफी प्रोएक्टिव काम किया और अड़सठ हजार ट्रुप्स को लद्दाख लाया गया 330 सौ इंफेंट्री के व्हीकल्स बड़े बड़े व्हीकल्स लाए गए और मोर देन 90 टैंक्स 90 से ज्यादा टैंक्स लाए गए और अलग से तो आये ही आये। हम लोग बिल्कुल तैयार थे चाइना को क्या लग रहा है मतलब इंडिया मतलब भूटान है और नेपाल है कि आए और मतलब कि दबा करके चले गए इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक लाइक पाकिस्तान भूटान नेपाल यार मतलब ये उन्नीस वाला इंडिया थोड़ी है आएंगे और रगड़ के चले जाएंगे उसमें भारत के आजादी के बस पंद्रह साल हुए थे आज हम लोग पचहत्तरवा साल मना रहे हैं सो मच ऑफ वॉटर हैज फ्लोन सिंस नाइनटीन सिक्सटी टू डियर चाइना कांग्रेस डिमांड्स लार्जर डिबेट ऑन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने डिमांड किया है कि इस पे बृहत चर्चा होनी चाहिए जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो भी भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल ये तीनों मतलब आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो भी ओवरहॉल करने की कोशिश की गई है इस पे डिबेट्स होने चाहिए और ग्रेटर डिटेल में डिबेट होना चाहिए नेक्स्ट न्यूज इज एज आई टोल्ड यू दैट सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट्स एट ऑल द कोर्ट प्रीमाइसेस ऑल अक्रॉस इंडिया इसको मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपसे कर लिया नेक्स्ट इज बिजनेस वर्ल्ड न्यूज पे टू मिलिटेंट्स स्किल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर अटैक ऑन कॉन्वॉय ऑफ चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान का जो भी करंट सिचुएशन है वो आप जान रहे हैं पॉलिटिकली एकदम डिरेल्ड हो चुका है प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला जा चुका है टॉक में इमरान खान जो पूर्व उनके प्रधानमंत्री हैं जो बाद के शहवाज शरीफ रहे वो स्टेप डाउन कर चुके हैं अनवर को बनाया गया है कौन प्रधानमंत्री बन रहा है कौन जेल जा रहा है कौन हट रहा है कौन आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा है और इसके बाद से टेररिस्ट मिलिटेंट्स अब बताओ चाइनीज को वर्कर्स ऑफ चा, चाइनीज वर्कर्स उनकी गाड़ियां जा रही थी उसी के ऊपर अटैक कर दिया तो कहते ना कि आपने पाला पोसा तो झेलना तो पड़ेगा ही आपको और इंडिया मैच हार गया वेस्टइंडीज से इनको सिर्फ आईपीएल में पैसा चाहिए पांचवा मैच हार गए थ्री टू से इंडिया सीरीज हार गई सूर्य कुमार यादव ने फिफ्टी बनाया उसके बाद भी हार गए वन सिक्सटी फाइव को हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए वेस्टइंडीज आसानी से यह मैच जीत गया वेस्टइंडीज आसानी से ये मैच जीत गया आई थिंक आठ विकेट से शायद जीते हैं नेमार प्रोबेबली लिविंग पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी को नेमार एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है ब्राजील का वो शायद से पीएसजी को छोड़ देगा क्योंकि अब उसके पास ऑफर सऊदी अरेबिया से आ गया है जो कि एक बेटर ऑफर है और कोई ऐसा, ऐसा, ऐसा न्यूज नहीं है आई होप दैट आई हैव मेड द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू i have discussed whatever was important in the hindu newspaper. i hope that you really enjoy watching me uh, going with or going for the analysis or the hawkeye view, the review of the hindu newspaper. stay tuned, guys, for all the updates, for all the explanation of the hindu newspaper. thank you, everyone, for watching me. Jai hind Jai Shri ram.